This video is sponsored by Pix2's Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। हो रहे वरिष्ठतम सहायक ने रोशन की देश की ये अहम इमारतें। राष्ट्रपति भवन से दोनों ओर स्थित खूबसूरत इमारतें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बुधवार को नई प्रकाश प्रणाली की रोशनी से नहा गई। इस मौके पर वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, लेकिन केंद्रीय सचिवालय इन महत्वपूर्ण भवनों को रोशन करने के लिए नई प्रणाली का उद्घाटन गृह मंत्रालय के वरिष्ठतम सहायक माही दिन की सेवा देने वाले हैं। नई प्रकाश प्रणाली 1.6 करोड़ तक रंग संयोजन के साथ साथ अलग थीम का प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री आज नई प्रणाली के उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे। गृह मंत्रालय के वरिष्ठतम सहायक महिपाल सिंह से इसका उद्घाटन कराया गया। इसी समय ये इमारतें 7 साल में 8 से चुनिंदा दिनों को ही प्रकाश में सजाई जाती हैं, जिनमें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस शामिल है। एक अधिकारी ने कहा कि विद्युत भार कम से कम करने के लिए प्रकाश प्रणाली में प्रकाश के मंद होने की विशेषता शामिल है। यह शाम 7 से 1 बजे सुबह 5 बजे तक प्रकाशित रहेगा। कुछ सेकंड्स के अंतराल पर रंग बदलते रहेंगे। ये इमारतें रात 8 से 9 बजे के बीच पूरी क्षमता के साथ प्रकाशमंद होगी। अधिकारी ने बताया कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति भवन भी इसी तरह की प्रणाली से प्रकाशमान हो जाएगा। इससे पहले 10 दिन में सेवानिवृत्त हो रही महिपाल सिंह ने आयोजन स्थल की प्रधानमंत्री के पहुंचने से कुछ मिनटों पहले ही कहा, मैं बहुत खुश हूं। सिंह 1975 में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर गृह मंत्रालय का हिस्सा बने थे। धन्यवाद।